भगवान कृष्ण जो है गाय चला के आते थे, तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है फिर से पूछे, ये भगवान की खेलन भूमि है, तो ये जगह छोटी सी लग रही है, काफी बड़ी जमीन थी, ये यमुना जी की गढ़ है, यमुना जी की बालू है, इसी व्रत के अंदर भगवान खेले पूछे। तो यहाँ कहावत है, रमन रेती लेटो नहीं, रेती लगाओ जब व्रत मान मांग, रमन रेती लेटो नहीं, क्यों यमुना पान, उसके बाद यमुना का पान करेंगे, उसके बाद भगवान ठाकुर जी झूला झुलाए नंद भवन में झूला पड़ा। तो यहाँ भगवान खेलते पूछते थे, भगवान की खेलन भूमि है, तो यहाँ भगवान खेले पूछे, ये व्रत की रज है, ये व्रत की रज है, इसको माथे से लगाओ, नेत्रों से लगाओ और कंठे से लगाओ और थोड़ा मुँह में भूख के अंदर लो, मुँह के अंदर हेलो समर, मुक्ति के गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रानी मस्तक लगे तो भगवान से बोले, प्रिया गेटे से भगवान से बोले, भगवान मेरी मुक्ति कहाँ होगी, दे देना मेरा मुक्ति का धाम तो बताओ, लो तो ये मुक्ति का धाम चुनाव, यार धूल लगा थी, ये मुक्ति होती है, यहाँ ये मुक्ति का धाम है, हमको बताया भी नहीं, बनाया भी नहीं। कृष्ण बलराम का पहिया है, हम लोग लौट लौट के मजा आ गई। मम्मी मेरी ये देखो, अच्छा ये देखो, कृष्ण जी खेले रहे, ये देखो इनकी शक्ल देखो जरा, हम भी लौटे मौसी, हम भी लौटे, हम भी बहुत लौटे, तो लोटो बढ़िया है, हिरन हिरन हिरन, ये के हिरन खाते हैं कुत्ते का है, ये क्या है, ले खिला हमको भी, चलो खिलाओ, देखो दीदी दाना खिलाने जा रही है, हमको भी दो, हमारा वीडियो पकड़े हाथ में नहीं, हाथ से नहीं, वो तो दीदी खिला रही है, दीदी हमें भी तो प्यारा सा है, हमको भी तो दो, चलो ये देखो खिला, वीडियो बना लो दिया, हाँ हिरन खिला रहे, हिरन हाँ वही अभी, डर बहु मजा आई, हम लोग तो लौटे खूब सारा,
मेरा भी चलो मम्मी देखो ठीक है देखो चले आओ गाड़ी पर हेलो 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 हाय बाय ये है यहाँ पे नदी है तो वहाँ जा रहे हैं शायद यहाँ इस नदी में कछुए भी हैं तो उन्हें एक लैया खिलाई जाती है तो दादी ने लैया ले ली है तो उन्हें हम लोग खिलाएंगे अगर कछुए हुए तो बहुत बड़ी घाट यहाँ समर नहाने जा रहा है वैसे तो समर बहुत सुंदर है कहाँ यहाँ पे मछली मछली है भैया अच्छा है वो देखिए कछुए गाइस कितने सारे हैं वाह आपको वैसे नहीं दिख रहा है कि नहीं वो देखिए दिखा और ये देखिए इधर वाल भी ये देखिए पानी के अंदर वो देखिए कितने सारे हैं बहुत सारे यहाँ से आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं बट बहुत सारे कछुए हैं ऐसे वो देखिए वहाँ पे भी है वो देखिए कितने बड़े बड़े हैं बहुत सारे हैं सो अब चलते ये पेड़ है बड़ा है हम नाव पे बैठे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग यमुना नदी में बैठे हुए हैं नाव में शक्ल दिख नहीं रही है अंधेरे हाँ देखो अब बोलो हम लोग यमुना नदी से पार कर रहे हैं नाव में बैठे हैं उनके दर्शन हो रहे हैं दादियाँ पे जला रही हैं मम्मी स्नान कर रही हैं मोबाइल उठा दो पीछे समर वहाँ रहे लो समर से ही जलवा दे भैया समर सब कुछ कर रहे हैं समर सारी यात्रा पूरी कर रहे नहीं इनका इनका जो है इनका जला भी दे समर इनका जला दे नहा रहे हैं ओके चलो बातचीत जलाए कि नहीं ये लो वो भी जाइए देखो हाय भाई नहाए नहीं साबुन रहने दो चलो लगा ले साबुन अरे ओके
अंदर पानी डाल लो निकल के। ब्रह्मांड बिहारी के, ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन करो पहला सब लोग। सब लोग दर्शन करो। मैं बताऊँ, जो इस रूप से भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया यशोदा मैया को, भगवान ने यशोदा मैया को इस रूप से ब्रह्मांड दिखाया। जगह का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा है। यहीं भगवान गाय चराने आती थी ग्वाल वालों के साथ में। तो यशोदा मैया ने रोज ग्वाल वाला शिकायत करते, मैया तेरे लाला मिट्टी खाता है। दर्शन कराया यशोदा, वही मिट्टी है क्या? वो बच की रह जाएगी। पहले दर्शन करो, उसके बाद मोहन माटी दे, पहले दर्शन करो। फिर से समझ इधर देखो। हाँ रुक जाओ, अब दर्शन करो फिर फोटो खींचो। प्रेम दर्शन करो। मैंने आगे शूट इसलिए नहीं करा बिकॉज मैं बहुत थक गई थी। और हम लोग को वहाँ पे ये जो दिख रही है मिट्टी है जो लगाई गई है चंदन के रूप में, और मिट्टी खिलाई गई है प्रसाद के रूप में। बिकॉज ये जो जगह है ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी और मुँह खोल के ब्रह्मांड दिखाया था अपनी मैया जी को। तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत हंसा, मतलब हंसाया जाता वहाँ पे, कहा था हंसा जाता वहाँ पे। तो हम लोग ने वहाँ हंसा और लौट रहे पड़ जाओ और सब मिट्टी खाई प्रसाद चढ़ाया। और अब हम लोग को भूख लग रही है, प्यास लग रही थी, पानी पिया और भूख लग रही मेरे तो। और ये खुलता भी है, भूख लग रही है। स्ट्रीट डॉग को बिस्किट्स खिला रहे, वो देखो पीछे से चढ़ कर डाल रही है। मुझे भी दो प्रिया दीदी भाई थो मैं चाय गिर गई। तो हमें ये बता रही मैं कि आप लोग अगर जैसे रोड पे किसी को स्मॉल किड्स या कोई होता ऐसे भूखे बच्चों को देखते हो तो उन्हें पैसे ना देके कुछ खाने को दे दो या कुछ ऐसे दे दिया करिए। या हम लोगों ने भी दिया है। तुमने दिया? अरे मतलब हम लोगों ने कहा, मैंने तुमने दिया, उसने दिया बस कुछ। तुमने कहा पड़ा था ना पूरी पैकेट दे दो उसको। पड़ा था कि रखा था? अरे मर भी गए थे सारे। तो हम लोग बिस्किट्स वगैरह रखे थे तो हम लोगों ने उसे दे दिया। वो कुछ क्या दे रहा था वैसे? वो कुछ बेच रहा था आई थिंक, लिया हुआ तो हम लोग को लिया हुआ तो चाहिए नहीं, तो हम लोगों ने उसे वो दे दिया। अच्छे से हमने ये भी ये ले लिया। उसने हमसे कहा कि हमको बिस्किट, और हम लोग को चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं है पर पापा ने चाय भिजवा दी। देखिए कितनी क्यूट तरीके से चाय है, कितनी क्यूट। बच्चा लोगों ने उसे खाने को दिया, उसे देखिए हमने पूरा ये दे दिया। हम लोगों ने उसे पैसे दे दिए, मैंने कहा पैसे ले लो भैया हम लोग क्या करें। कितना क्यूट लग रहा था, कितना सारा और हाँ मैं आपको चाय दिखाने जाती हूँ। ये देखिए वो देखिए कितने क्यूट तरीके से। और मुझे चाय नहीं पीना प्रिया, तो मेरी भी पी लो, मेरी क्यूट पर्स की तरह सब कुछ क्यूट क्यूट है। यार ये बहुत गहरा गाइस, हम लोग रुक गए थे खाने पीने के लिए। हम लोगों ने भंडारा खाया, भंडारा था बहुत अच्छा था, सब कुछ था। हम लोग ने खा के वहाँ पे था कि प्लेट लेके खुद खाना लेके खा लो जितना खाना है, फिर खाने के बाद खुद ही धो के रख दो। सो भंडारा खाया, फिर हम लोग अब आए हैं मंदिर वासुदेव द्वार। ये है वासुदेव द्वार, यहाँ झूला झुलाया जाएगा कृष्ण जी को। ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी को छोड़ के गए थे। और अब अंदर चलेंगे। देख के
अपने हाथ धो लो टंकी में आइए। साक्षी मंदिर में लोग आए हैं, ये यहाँ के साक्षी होते हैं कि मतलब कि आप यहाँ पे आए हो। पापा का इंजेक्शन देखो पीछे रखा है ना, सदर चेक में बहुत थक गए एकदम, ये देखिए सब थक चुके हैं हम लोग, तभी भी जा रहे हैं गाड़ी में बैठ कहीं तो जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ था, बहुत थक गए। अच्छे से रखा, अब मैं थोड़ी देर के लिए किस मंदिर में इतनी देर दर्शन नहीं, अपने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया है और जा रहे हैं निधि वन, निधि वन जा रहे हैं। वृंदावन बट वृंदावन में पूरा वृंदावन बंद है, प्रेम मंदिर निधि वगैरह सारे मंदिर बंद है, तो वृंदावन एक्चुअली देखा जाए तो वृंदावन पूरा बंद है। तो हम लोग जा रहे गोवर्धन फिर जाएंगे द्वारका, तो द्वारका 6 बजे खुलेगा इसलिए अभी पहले हम गोवर्धन पर्वत जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको गोवर्धन पर्वत पर डायरेक्ट, लोग गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा लगा रहे रिक्शे में बैठे, रिक्शे में बैठ के परिक्रमा लगा रही। पहली बार कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो अच्छा अभी तो हम बैठे बैठे थके हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कर रहा हमको ये रिक्शे बैठ के चलाओ। समर तुम बताओ, ये तो सो रहे थे, कुछ पता ही नहीं तुमको। जय thank you.
कैसा लगा परिक्रमा करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग के रिक्शा में राधे राधे, रिक्शे में भी मजा ही, हम लोग खाना खा रहे थे वो भी। अब हम लोग जा रहे हैं मथुरा को छोड़ के, फिर हम लोग निकल लेंगे घर के लिए। अंकल को मथुरा में छोड़ दिया है, हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। घर के लिए निकल रहे हम लोग, फिलहाल के लिए तो थोड़ा आराम करेंगे, हवा खाएंगे, ब्यूटीफुल नाइट का मजा लेंगे। जिस होटल में आए थे मैं शूट करना भूल गई थी, और हम लोग 1 बजे यहाँ पार्टी कर रहे हैं रात के। फूड किंग प्लाजा में मस्ती कर रहे हैं रात के, सब बैठ के गाड़ी में मस्ती कर रहे हैं। गाना बज रहा है, वो आप नहीं सुनेंगे बिकॉज वो कॉपीराइट लग जाएगा। और तुम मेरे चेहरे पे लाइट ना मारो, मेरे शक्ल दिख रही है। वो बहुत अच्छी जगह है, दिखाए थोड़ी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी में कचरा भर गया, पेट्रोल वाले टंकी ने थोड़ा पानी मिक्स करके पेट्रोल डाला तो गाड़ी नहीं चल रही हमारी, इसीलिए हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। वापस आ चुके हैं हम लोग, जब पहुँचे थे बहुत बारिश हो रही थी, सुबह के 6-7 बज रहे थे और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी तो, और नींद भी लग रही थी तो मैंने शूट नहीं करा, फिर मैं सो गई। फिर मैं अभी उठी हूँ, तो उठने के बाद मैं ये शूट ले रही हूँ, मतलब उठने के थोड़ी देर बाद।
और मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। स्किप चाय, आज की चाय स्किप हो चुकी है। और हाँ, अगर अब व्लॉग एंड होता है तो व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये व्लॉग कैसा लगा। और मैं क्या करूँ नेक्स्ट। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब कुछ आज रेड है, मैं भी रेड हूँ, तो प्लीज़ उस रेड वाले बटन को प्रेस करके उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए फॉर नोटिफिकेशन। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।